कुंडलनी जागरण के महत्व को समझाया। जैन योग में कुंडलनी जागरण कैसा होता है, उसकी क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है? आचार्य योगिंदु देव ने अमृता शीति नामक संस्कृत के ग्रंथ में उसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है, हम उसको पढ़ करके उस समझ सकते हैं। एक बार कारिका पढ़ता हूं, फिर उसका अर्थ बताने के प्रयास करेंगे। ये किस प्रकार कुंडलिनी जागरण होती है उसका एक रूप यहाँ पर दिखाया गया। सरल बिमल नाली द्वार मूले मनस्त्वम् कुरु सरति यतोऽयं ब्रह्मरन्ध्रेण वायुः। परिहृत प्रणाली युग्म मार्ग प्रयाण दलित मल दलौघ केवल ज्ञान हेतु केवल ज्ञान हेतु। इस कुंडलिनी जागरण को केवल ज्ञान का हेतु कहा है, कितनी बड़ी बात। कोई कहे कि ये चर्चा जैन शास्त्रों में नहीं है, हम उस तरफ अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, इतने ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर पाए हैं जहां इतना योग विषयों का भंडार जैन शास्त्रों में है। इस कारिका को समझेंगे हम कैसे उसकी वर्णन कर रहे हैं। हे जीव त्वम सरल विमल नाली द्वार मूले, कह रहे रिजु सरल, रिजु और विमल माने निर्मल, मल रहित नाड़ी का द्वार जहां है, द्वार मूले। अब वो सुषुम्ना नाड़ी, ये जिस नाड़ी की चर्चा कर रहे हैं वो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसकी चर्चा योग शास्त्र में बहुत होती है। वो सुषुम्ना नाड़ी का द्वार जहां है उस प्रदेश में, जैसा कि अभ्यास में सिखाया जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी का द्वार यहाँ पीछे की तरफ नीचे है और यहां से वो सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है मेरुदंड के माध्यम से, और कह रहे हैं कि उस प्रदेश में अपने मन को स्थित, अर्थात जो हमारा पीछे का नीचे भाग है उधर अपने मन को एकाग्र करना है, जहां से कुंडलिनी जागरण शुरू हो। मनः कुरु, उसको उस प्रदेश में मन के चित्त को अपने स्थिर करो, यतः ताकि ब्रह्मरंध्रेण अयम वायु परिहृत प्रणाली युग में मार्ग प्रयाण, कह रहे ताकि ब्रह्मरंध्रेण माने सुषुम्ना नामक 10वीं नाड़ी के द्वार से वो बढ़ती हुई कुंडलिनी, बढ़ती हुई सुषुम्ना द्वार से, वो 10वीं नाड़ी उसका नाम, तो 10वीं नाड़ी के द्वार से बढ़ती हुई, ये सुषुम्ना नाड़ी 10वीं नाड़ी कहलाती है, तो उधर से वो बढ़ती हुई अयम वायु, यह वायु परिहृत प्रणाली युग्म मार्ग प्रयाण। वो परिहृत प्रणाली जो दूसरी नाड़ियां हैं, दूसरी नाली है उसको छोड़ दे, यानी दूसरी नाड़ी कौन सी है, इड़ा और पिंगला, इनको छोड़ती हुई सरती प्रयाण करे, आगे बढ़े ऊपर की तरफ। और अगर ऐसा होता है अभ्यास के माध्यम से, तो यह जो वायु है जो उठ रही है ऊपर की तरफ, वह दलित मल दलौघ, वह दुरित मल को भी नाश करने वाली है, कर्म मल और भी जितनी गंदगी है, जितनी अशुद्धियां हैं, जितने कुसंस्कार हैं, उन सब का नाश करने वाली है और केवल ज्ञान की हेतु है। और यही वायु वह कुंडलनी, केवल ज्ञान हेतु, केवल ज्ञान की हेतु, केवल ज्ञान का परंपरया साधन है। तो बंधुओं, हम किस प्रकार जैन परंपरा में कुंडलिनी जागरण की चर्चा की गई है, इसका एक हमारे पास साथ शास्त्र प्रमाण है। अन्य अनेक ग्रंथों में, ज्ञानार्णवादी ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है। इसका भाव यह है कि जिसने अन्य नाड़ी द्वार का निराकरण कर दिया है तथा जो ऊर्ध्व गति से युक्त है,
और जिसने दुरंत शक्तियों के समुदाय को अत्यंत भिन्न विलग कर दिया, अलग कर दिया है, और जो केवल ज्ञान की कारणभूत है, यह आन पान वायु सुषुम्ना नामक दशम नाड़ी द्वार से धीरे से चलता है, और इस कारण से यह जो कुंडलनी नामक मूल आधार से उद्भूत सुषुम्ना नामक की सरल विमल नाड़ी द्वार है, उसके मूल में हमको चित्त को एकाग्र करना है, मन को एकाग्र करना है, और अविचल रूप से, और वहां इस तरह का अनुभव करना है कि वह जो वायु है, जो कुंडलनी है, उसका धीरे धीरे जागरण कर। और यह बहुत, इसके लिए गुरु के सानिध्य की आवश्यकता, गुरु के प्रशिक्षण की आवश्यकता, गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, और सबसे अधिक आवश्यकता उस पर श्रद्धान और उसके अभ्यास की होती है, तब वह कुंडलिनी जागरण होता है। और उसको यहाँ पर योग कैवल्य ज्ञान का हेतु कहा है, तो जो कैवल्य ज्ञान का हेतु बन सकती है वह सबसे बड़ी चीज है। उसको हम समझें कि किस प्रकार यह नाड़ी कुंडलिनी जागरण का कारण बनती है, और हमारा चित्त अगर उधर एकाग्र हो जाए, और कुंडलिनी जागरण के क्या क्या लाभ हैं, ये जगत में विख्यात हैं। यहाँ पर उसे केवल ज्ञान का हेतु माना है।